हेलो दोस्तों, मैं हूं पायल गुड़िया। पिछले साल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मैच अब तक सबसे शानदार मैच था। सदियों तक उस मैच की यादें ताजा बनी रहेंगी। पहले मैच बराबरी पर खत्म हुआ था, लेकिन मैच का परिणाम निकालने के लिए सुपर ओवर कराया गया और सुपर ओवर भी बराबर रहा, जिसके बाद बाउंड्री की गिनती से इंग्लैंड को विजेता घोषित कर दिया गया था। लेकिन इस नियम के लिए आईसीसी की कड़ी आलोचना हुई थी। लगभग एक साल बाद न्यूजीलैंड के सीनियर बल्लेबाज रॉस टेलर ने इस पर अपनी राय सामने रखी है और कहा है कि वनडे फॉर्मेट में सुपर ओवर नहीं होना चाहिए। रॉस टेलर ने कहा, मैं वनडे मैचों में सुपर ओवर को लेकर अब भी दुविधा में हूं। मुझे लगता है कि एक दिवसीय मैच लंबे समय तक खेला जाता है और मुझे टाई मैच को टाई के रूप में ही समाप्त करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन T20 में मैच आगे जारी रखना सही है, जैसे कि फुटबॉल या अन्य खेलों में होता है, ताकि विजेता का निर्धारण किया जा सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक दिवसीय मैचों में सुपर ओवर जरूरी है। मेरा मानना है कि संयुक्त विजेता हो सकता है। टेलर ने आगे कहा कि विश्व कप के दौरान मैं असल में अंपायर्स के पास गया और मैंने कहा कि मैच अच्छा था, मुझे नहीं पता था कि सुपर ओवर भी होगा। मैच टाई छूटा है तो उसे टाई ही रहना चाहिए। मेरा मानना है कि वनडे में आपको 100 ओवर खेलने होते हैं और अगर तब भी कोई अंत में बराबरी पर रहता है तो फिर मुझे लगता है कि टाई बुरा परिणाम नहीं है। वैसे आपको बता दें कि न्यूजीलैंड का सुपर ओवर में रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। उसने सभी प्रारूपों में इस तरह के 8 में से 7 अवसरों पर मैच गंवाया।